अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर जॉब्स इन पाकिस्तान। आज मैं आपको बताऊंगा पीपीएससी जॉब्स 2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 एंड पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 30। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज्ड इट्स न्यू एडवर्टाइजमेंट। रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब वेटिंग फॉर द पीपीएससी जॉब्स 2022 New advertisement are welcome to apply for these employment opportunities. PPSC ने बहुत सारी नौकरियों का ऐलान किया हुआ है। इसके लिए इन्होंने दो इश्तहार शाया किए हैं अखबारों के अंदर, एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 है और एक 31 है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब 2022 आर अवेलेबल फॉर पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स। ठीक है, ये सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स के लिए हैं, सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पंजाब का डोमिसाइल एक्वायर किया हुआ है। दिस रिक्रूटमेंट रिजर्व्स कोटास फॉर फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर पीपल। ठीक है, इसमें फीमेल्स और ट्रांसजेंडर के लिए भी मौके हैं अप्लाई करने के। मिनॉरिटीज़ कोटा इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड एज़ पर द पीपीएससी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, मिनॉरिटीज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कोटा है इसके अंदर। द पीपीएससी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट इज़ अवेलेबल ऑन द पीपीएससी वेबसाइट। ठीक है, जो लेटेस्ट एडवर्टाइज है इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाकर सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर सच एज द डेली जंग एक्सप्रेस न्यूज़ एंड द नेशन, इन तीनों अखबारों में भी शाया किया गया है इसके इश्तिहार को। ठीक है, इसका जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है 31 नंबर, अनाउंस सम वैकेंट पोस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसका दूसरा एडवर्टाइजमेंट है उसमें ये तमाम इदारों में नौकरियां हैं जिनका ऐलान किया गया है, और इसमें जो वैकेंट पोजीशन है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है, असिस्टेंट है मेडिकल ऑफिसर है, एग्जामिनर मॉनिटर, लिटरेसी मोबिलाइजर, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग। ठीक है, ये बहुत सारी इसमें नौकरियां हैं। द अबव पोजीशंस रिक्वायर बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री एंड एमबीबीएस क्वालिफिकेशंस। ठीक है, इन तमाम नौकरियों के लिए बीए, मास्टर, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन लाजमी है। ठीक है, यू कैन डाउनलोड पीडीएफ डिटेल्स ऑफ दीज वैकेंसीज फ्रॉम द वैकेंसी नोटिस पोस्टेड बिलो। इसके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। द करंट पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 हायर्स एप्लीकेशंस टू रिक्रूट स्टाफ फॉर द लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट एंड एचआर एंड माइनॉरिटीज अफेयर्स डिपार्टमेंट। जो इश्तिहार नंबर 30 है उसके लिए तमाम इदारों में नौकरियां हैं। ठीक है, इसमें जो इनको दरकार है इसमें डिप्टी डायरेक्टर है, जेंडर मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट है, मैनेजर है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है, इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट है। इन पोजीशंस के लिए जो तालीम कर की है उसमें बैचलर डिग्री है, एमएस है, एमफिल है, मास्टर्स डिग्री है, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग है एंड एलएलबी क्वालिफिकेशंस विद रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ये तमाम तरह इन्होंने तालीम का मेयार मुकर्रर किया है। द एज लिमिटेशंस, स्किल्स रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। पूरे पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तक तफसील है दोनों इश्तिहार जो इन्होंने शाया किए हैं, 30 नंबर और 31 नंबर, दोनों में ये तमाम मौजूद हैं नौकरियाँ।
ठीक है। तो इन तमाम असामियों में अप्लाई करने के लिए आपको ये एक वेबसाइट दी गई है, ठीक है। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी वेबसाइट है www.ppsa.gop.pk। ठीक है, या तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप फॉर्म को फिल करने का तरीका बताया गया है। सेलेक्ट द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई एंड क्लिक द प्रोसीड बटन आफ्टर व्यूइंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट एलिजिबिलिटी। ठीक है, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसके तमाम इन्फॉर्मेशन को आप देख लें अच्छी तरह, उसके पास पे आप प्रोसीड का बटन होगा वो क्लिक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, उसके बाद आपको दूसरे पेज पे होगा रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड ई पे यूज़र मैनुअल, सेलेक्ट द अंडरटेकिंग चेक बॉक्स एंड क्लिक द अप्लाई बटन ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद आपने ई पे यूज़र मैनुअल बटन होगा, उसके ऊपर आपने चेकबॉक पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद एंटर योर CNIC नंबर एंड क्लिक द प्रोसीड बटन। फिर आपने अपना NIC नंबर इसमें डालना है और फिर आपने प्रोसीड का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद कैंडिडेट शुड प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सेव इट। ठीक है, आपसे ज़ाती मालूम के लिए पूछा जाएगा तो आप उसमें दर्ज करके उसको सेव कर देंगे। क्लिक द प्रोसीड बटन टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन। ठीक है, प्रोसीड कर देंगे इसको आप। एप्लीकेंट मस्ट पे द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एज पर द गिवन प्रोसीजर। ठीक है, उसके ऊपर फीस का बताया जाएगा, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। कैंडिडेट शुड अपलोड द लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड स्कैन कॉपी ऑफ CNIC। ठीक है, आपने लेटेस्ट फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है और स्कैन CNIC वो भी आपने अपलोड करनी है, उसकी भी कॉपी। After completing all the requirements, candidates must verify the information and submit the online application form. ठीक है, तमाम तफसील देने के बाद आपने अच्छी तरह उसको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको फॉर्मेट कर देना है। ये एडवर्टाइजमेंट है जो अखबारों में शाया की गई हैं। बाकी सब बटन को क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ये उनकी अपनी वेबसाइट है। ये तो वहाँ तो तफसील है जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी तफसील है लोग अप्लाई करने के लिए। बाकी इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।